आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन का उद्घाटन करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस आज सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कल प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों को दिलाई जाएगी सुशासन की शपथ। आज देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस का पर्व और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में उत्तरी हवाओं की वजह से ठंड का असर बढ़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन का उद्घाटन करेंगे। इस लाइन का ये खंड नोएडा के बॉटनिकल गार्डन से दिल्ली के कालकाजी मंदिर को जोड़ेगा। इससे नोएडा और दक्षिण दिल्ली के बीच यात्रा समय में कमी आएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नोएडा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि दिल्ली मेट्रो की यह लाइन इस बात का एक और उदाहरण है कि सरकार शहरी परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बना रही है। यह प्रौद्योगिकी केंद्रित अभियान और शहरी जन परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल बनाने के प्रयासों का प्रतीक है। इस वर्ष ये तीसरी मेट्रो लाइन है जिसका प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जून में कोच्चि मेट्रो और नवंबर में हैदराबाद मेट्रो का उद्घाटन किया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज 93वां जन्मदिवस है। इसे आज देशभर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार में लोगों की जवाबदेही के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष आज के दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं प्रदेश में कल 26 दिसंबर को शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने की शपथ दिलाई जाएगी। भोपाल में आज श्री वाजपेयी के जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया है। इस मौके पर पिछले कई वर्षों से पीड़ित मानवता की सेवा करने वाले लोगों का सम्मान किया जाएगा। जनसंपर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कल दतिया में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया। डॉ मिश्र ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना पूरे देश में लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से हर घर में विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के घरों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। अन्य वर्गों को मात्र 500 रुपये में कनेक्शन मिलेगा। जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि इस योजना से दतिया जिले में करीब 30,000 परिवारों को विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। बुरहानपुर में कल मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह निकाह योजना के तहत मुस्लिम समाज के 30 जोड़ों का रीति रिवाजों एवं परंपराओं के साथ निकाह समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस निकाह समारोह में शामिल हुईं। उन्होंने इस मौके पर सभी नव दंपतियों को आशीर्वाद और बधाई दी तथा उनके खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना की। कार्यक्रम में महापौर अनिल भोंसले, नगर निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला सहित शहर के गणमान्य नागरिक तथा अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल सांची पर केंद्रित झांकी को रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल करने का फैसला लिया है। लगभग 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिस्पर्धा और चयन प्रक्रिया के बाद मध्य प्रदेश की झांकी का चयन किया गया है। भोपाल से 40 किलोमीटर दूर रायसेन जिले के में स्थित सांची विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसे यूनेस्को ने भी विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात का ये 39वां संस्करण है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि 2017 का आखिरी कार्यक्रम होगा। उन्होंने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप पर देने को कहा है। लोग अपने विचार और सुझाव MyGOV के ओपन फोरम पर भी दे सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। प्रभु यीशु के जन्म का पर्व क्रिसमस आज देश के साथ ही पूरे प्रदेश में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर गिरजाघरों को विशेष रूप से सजाया गया है। रात 12 बजे गिरजाघरों में मिडनाइट मास का आयोजन किया गया। माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म रात 12 बजे हुआ था, इसलिए कल रात 12 बजे गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा हुई। राजधानी भोपाल के चर्च भी आज रोशन है। बाजारों में भी क्रिसमस की रौनक देखी जा सकती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री कोविंद ने कहा कि ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला यह पर्व सबको प्रेम, बलिदान और क्षमा का संदेश देता है। राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली ने भी क्रिसमस पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री कोहली ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि ईसा मसीह ने प्रेम, सद्भाव, दया और शांति का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी क्रिसमस के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि आधुनिक समाज में नैतिक मूल्यों, विश्व शांति और मानव जीवन की गरिमा की स्थापना के लिए प्रभु ईसा मसीह के पवित्र वचनों की सार्वभौमिक प्रासंगिकता है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का 351वां प्रकाश पर्व कल देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारों में विशेष शब्द कीर्तन और लंगर का आयोजन किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर गुरुद्वारों को रोशनी से सजाया गया है। इंदौर जिले में पिछले 21 दिसंबर से आई हुई एकात्म यात्रा का कल अंतिम दिन था। यात्रा ने जिले के सांवेर क्षेत्र के गांव-गांव में भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान सांवेर और शिप्रा में जनसंवाद का कार्यक्रम भी हुआ। आज सतना जिले के जिगना ग्राम पंचायत में ये एकात्म यात्रा पहुंचेगी। यात्रा के भव्य स्वागत की तैयारी है। देवास में भी एकात्म यात्रा के दौरान जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह यात्रा टोंक खुर्द, सोनकच्छ, हाट पिपल्या, कन्नौद, खातेगांव, चापड़ा आदि इलाकों से गुजरेगी। यह यात्रा आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के लिए धातु संग्रहण और जन जागरण के लिए आयोजित की जा रही है। बैतूल जिले के सतपुड़ा के बीच बसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुकुरू में 26 से 28 दिसंबर तक सैलानियों के लिए इको टूरिज्म एडवेंचर स्पोर्ट्स के फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया जाएगा। इसके समीप स्थित कुर्सी जलाशय में जार्बिंग बाल, बनाना राइड, मोटरबोट एवं टेंट कैंपिंग जैसी गतिविधियां आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेंगी। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में उत्तरी हवाएं अब जोर पकड़ने लगी हैं। पिछले 3 दिनों से ठंड का असर ज्यादा बढ़ गया है। ग्वालियर में तापमान 6 डिग्री से नीचे चला गया है। वहीं मंडला में पारा 5 डिग्री तक गिर गया है। कल राजधानी भोपाल का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री, इंदौर का पारा 10 डिग्री, जबलपुर का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों के तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज श्योपुर जिले के कराहल में आयोजित कुपोषण के विरुद्ध जंग सह विकास यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। सागर पुलिस अधीक्षक ने एक एएसआई को लाइन अटैच कर दिया है। एएसआई पर वर्दी में सार्वजनिक तौर पर शराब पीने का आरोप है। सिंगरौली जिला कलेक्टर ने औद्योगिक इकाइयों के अधिकारियों और क्रेशर प्लांटों के संचालकों की बैठक में कहा है कि एनजीटी के आदेशों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन का उद्घाटन करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस आज सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कल प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई जाएगी। आज देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस का पर्व और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में उत्तरी हवाओं की वजह से ठंड का असर बढ़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।